बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद सलमान खान ने ना सिर्फ अपने फिल्मों की फीस बढ़ाई बल्कि प्राइवेट इवेंट्स में शरीक होने के लिए भी अपने रेट्स हाइक अप कर लिए हैं टू अ वॉपिंग 1.75 करोड़ रुपीस। इतना ही नहीं, सलमान नाउ प्रेफर्स टू ट्रैवल ऑन अ चार्टर्ड फ्लाइट इन एंड आउट ऑफ द वेन्यू। सुनने में आया है कि ये क्रिएटिव आइडिया सलमान की मैनेजर रेशमा शेट्टी का है। लगता है सलमान अपने एकता टाइगर इमेज को लेकर शायद कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं। सुनने में आया कि सलमान आजकल सेट्स पर कर रहे हैं सबको परेशान विद हिज अनवांटेड टैंट्रम्स। कभी वो सेट्स पर आते हैं लेट तो कभी अपने वैनिटी वैन से बाहर आने से मना कर देते हैं, और तो और वो हो जाते हैं ऑफेंड जब कोई स्पॉट बॉय शॉट के लिए बुलाने आता है। सलमान, हम उम्मीद करते हैं कि ये एटीट्यूड सिर्फ इस फिल्म तक सीमित रहे। लगता है लॉ ऑफ कार्मा इज हेल्पिंग सलमान। सलू, यू हैव डन योर बिट फॉर द न्यूबाइल ब्यूटीज एंड नाउ वन ब्यूटी इज डूइंग हर ड्यूटी। व्हाट्स इट मीन? Why not? जितना सलमान का स्टार पावर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा भाव उनके मैनेजर्स को भी मिलेगा। Besides, why should a star live a modest life?